Hey guys, welcome back to our channel Minima Blog. So guys, this is my छठ पूजा मेकअप लुक और वो भी waterproof. इसका जो बेस है वो मैंने खुद से तैयार किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप है और एकदम waterproof भी. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, आप देख सकते हो पहले मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है एंड आपको टेस्ट करके भी आपको दिखाया है. सो इसको मैं अपने बाल को पहले साइड कर लूँगी एंड फिर देख सकते हो आप मैंने पानी डाला और कितने अच्छे से, मतलब मैंने पूरे अपने फेस को गीला कर लिया है और ये एकदम बहुत अच्छा मतलब मेकअप है. और बेस में इसमें कुछ नहीं लगता, जो प्रोडक्ट आप मेकअप में यूज़ करते हो वही सब लगता है और बहुत अच्छा इसका बेस भी बनता है. सो गाइस देखिए, ये वाटरप्रूफ मेकअप है. फिर इसको मैं हल्का हल्का टिश्यू पेपर से ना, जो गीला है उसको मैं हटा रही हूँ एंड उसको थोड़ा सा ना मैं फ़ैन भी लगने दूँगी, थोड़ा सा फेस मेरा सूख जाए. एंड उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल मेरा मेकअप वैसे ही टिका हुआ है. सो चलिए इस मेकअप को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम बेस को तैयार करेंगे. इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे प्राइमर जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है और सिर्फ हम एक फेस के लिए बना रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट को लेंगे. फिर यहाँ पे मैंने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि लैक्मे का है, तो उसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी. फिर इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें. देन इसके बाद फिर आपको लेना है कोई भी हाइलाइटर. सो यहाँ पे मैं लिक्विड हाइलाइटर लूँगी. आप पाउडर भी ले सकते हो क्योंकि पाउडर को लेकिन थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है, सो इस वजह से मैंने लिक्विड लिया है. फिर यहाँ पे लेना है आपको फाउंडेशन. सो यहाँ पे मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया हुआ है. एक फेस के लिए थोड़ा ही सा प्रोडक्ट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी. फिर यहाँ पर हम कंसीलर ऐड करेंगे जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर है. सो इसको लेंगे. देन इसके बाद गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑयल. सो यहाँ पर मैं बादाम का तेल ले रही हूँ. आप चाहते हो तो आप जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको फेस पे लगाने वाला ही ऑयल को उस पर ऐड करना है और कोई ऑयल नहीं, खाने वाला नहीं. सो इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से. ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा निकाला क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है. ड्राई स्किन के लिए तो चलता है लेकिन ऑयली स्किन पर ज़्यादा तेल आप नहीं लगा सकते, सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल दिया. फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मेरा बेस तैयार हो चुका है. सो फिर हमने फेस को ना, आपको फेस को अच्छे से हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है. सो इस वजह से अपने नीविया का मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है अपने फेस पर. देन उसको अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड फिर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. फिर गाइस, मेरे को थोड़ा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, सो इस वजह से मैंने कंसीलर लगाया हुआ है अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए. मैंने आज कलर करेक्टर नहीं लगाया, कंसीलर से भी काम चल जाता है. सो इसके बाद हमने बेस को लगाएंगे. और गाइस, थोड़े अमाउंट में ही आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई नहीं करना है, इससे आपका बेस अच्छा बनता है. ठीक है, सो थोड़ा सा लेना है पहले, फिर उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है. देन फिर आपको और आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको ऐड करो. ठीक है, सो गाइस, आपको हमेशा अपने हेयर लाइन पे, अपने ईयर्स के पास, अपने नेक पे आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना होता है. नेक पे आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है. सो इस वजह से हमेशा लगाएं अपने नेक पे भी. सो उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड उसको ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे. सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा बेस बहुत अच्छा बना है. सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं ना क्रीज नहीं हूँ मेरे आईज़ के पास, तो इस वजह से मैं इसको सेट कर लूँगी अपनी आँखों के पास क्योंकि आप आँख इधर उधर करते हो ना तो वो क्रीज़ आ जाता है आँख के पास, वो अच्छा नहीं लगता. फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया है जो कि यहाँ पे ये कॉन्टोर पाउडर है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. आई डोंट नो इसका नाम, मैं भूल गई अभी. सो बहुत अच्छा है, इससे मैं कॉन्टोर कर लूँगी एंड फिर नोज़ को भी कॉन्टोर करेंगे. जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ पे आप अच्छे से कॉन्टोर कर ले तो आपका फेस बहुत अच्छे शेप में आ जाता है. ठीक है, अब देख सकते हो नोज़ पे मैं कैसे कर रही हूँ. जो नोज़ पे मैंने कॉन्टोर किया है, मैंने क्रीम कॉन्टोर लगाया जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है. सो गाइज़, फिर यहाँ पे ब्लश के लिए मैं इस पैलेट से ही लगाऊंगी. मैं ज़्यादातर हमेशा आई शेडो में से ही लगा लेती हूँ क्योंकि उनको पसंद है. सो इस वजह से पीच सा ये कलर है, सो इससे मैं अच्छे से ब्लश को लगा लूँगी. फिर इसके बाद पाउडर से मैं सेट कर लूँगी अपने नोज़ के पास, अपने माउथ के पास, जहाँ जहाँ मेरे को सेट करना है अपने नेक पे. ठीक है, फिर इसके बाद अपने आईब्रो को सेट करूँगी. इसके लिए मैंने लिया हुआ मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल जो कि ब्राउन शेड में है, सो 02 ये शेड है. सो इससे मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये और काफ़ी दिन चलता है, मतलब मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ये प्रोडक्ट चल रहा है और बस 150 का ही है. तो ये काफ़ी पसंद है मुझे. फिर यहाँ से मैं ये पीच सा कलर लूँगी, पिंक सा कलर है, पीच पिंक आप जो भी बोल सकते हो इसको. तो उसको अच्छे से मैं अपने पूरे क्रीज पे, मतलब पूरे आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. फिर ये डार्क सा शेड लूँगी ना, और इससे ना मैं अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे मैं हल्का हल्का अप्लाई करूँगी. देख सकते हो आप कैसे वी के शेप में आपको अप्लाई करना है. ठीक है,
सो आप देख सकते हो मैं ऐसे अप्लाई कर लूँगी। अंदर यहाँ पे मैं सिमरी सा सेट अप्लाई करूँगी जो कि ना गोल्डन सा है, सिमरी सा सेट है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है। सो इसको मैं अपने ना इनर कॉर्नर्स लेते अपने आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी। नीचे मैं वो जो पहले पीच कलर लगाया था उससे मैं ना अच्छे से नीचे ना ब्लेंड कर लूँगी, आप देख सकते हो, अच्छे से स्मच कर लूँगी। फिर यहाँ पे लगा लूँगी मस्करा जो कि मेबलिन का मस्करा है, और हमेशा मस्करा आप भर भर के लगाओ, आपकी आँखें बहुत सुंदर लगती है और नकली आईलेसेस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मस्करा आप लगाओ ढेर सारा। फिर यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ जो कि मास्क कॉस्मेटिक का है, एंड इसमें से मैं गोल्डन सेट से हाईलाइट करूँगी अपने नोज़ पे, अपने चिक बोन पे, क्यूपिड पे, एंड जहाँ जहाँ मेरे को हाईलाइट करनी है, काफ़ी अच्छा मेरे को पसंद है ये। फिर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ब्लू हेवन का लिपस्टिक जो कि है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मरून सा सेट, मुझे काफ़ी पसंद है ये लिपस्टिक, मतलब बहुत अच्छे से लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब प्राइस भी काफ़ी कम है। सो गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लुक, मतलब ये फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा ये लुक है। आई होप आपको भी पसंद आए। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मैं बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉच।